कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट, मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। म्यूजिक भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे। हर इंसान की दो आंखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की, भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की, ये तो सब हम ही लोगों ने की हुई है। करोना होता है तो सबको होता है ना, कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है। हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान को भी बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू को भी बचाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई है? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं, एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अब नहीं मानेंगे। अगर आप मेरे धर्म के खिलाफ बोले तो मैं काट सकता हूँ आपका। आप बोल करके दिखाएं। आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं आपके धर्म के खिलाफ बोलूंगी तो आप यही मेरा गला काट देंगे? आप कुछ भी कर देंगे, आपके धर्म के खिलाफ बोलने वाले का आप गला काट देंगे? आप यही कह रहे हैं? धर्म के खिलाफ बोलने वाले का मैं गला काट दूंगा, मैं कह रहा हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बेहतर भारतीय बनाना हिंदुत्व है। अगर भारत में हम लोग बात, मैं बोल सकता हूँ अल्लाह अकबर, तो मेरे दोस्त बोल सकते हैं जय श्री राम। मैं इनसे आग्रह करूंगा जय श्री राम बोलने का काम करें।